ओके ओके गाइस, सो टुडे आई एम वेयरिंग दिस। हैप्पी टीचर्स डे। ओके गाइस, रेडी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और देखो फिर से मेरी मेहंदी लग गई। सो मेरी मेहंदी लगी थी कल और मैंने कल व्लॉगिंग नहीं की थी ड्यू टू कुछ अर्जेंट वर्क, तो मैं पूरा दिन कहीं बिजी थी, दैट्स व्हाई मैंने कल व्लॉग नहीं किया। और मेरी मेहंदी लग गई है दोबारा, क्योंकि नीचे जो डिज़ाइन था नीचे वो उतरा नहीं था, तो मैंने उसी के ऊपर ही लगवा ली थी। वेट वेट वेट, इट इज। तो आप सोच रहे होंगे सुबह सुबह मैं कहाँ जा रही हूँ ऐसे रेडी शेडी होके। सो मैं जा रही हूँ शूट पे। मैंने आप लोगों को बताया था थोड़े दिन पहले मेरा शूट हो गया था कैंसिल, सो दोबारा हेल्ड हुआ है। एंड अब मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ सुबह सुबह, ये जाएंगे स्कूल और मुझे छोड़ देंगे रास्ते में। तो आज है टीचर्स डे, सो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड जो भी यू नो जो आपको टीच करता है सबको, सो हैप्पी टीचर्स डे। ऐसे क्यों बोले आप? तो मैंने इनको दिया टीचर डे बना के चीला, क्या बना तुम? चीला बना के दिया ब्रेकफास्ट में, टीचर्स डे स्पेशल चीला। और अभी मैं जाऊंगी इनके साथ, तो मैंने पहना है ये और इनके दिखाती हूँ उन्होंने क्या पहना है। तो ये आज पहन रहे हैं व्हाइट ब्लैक, थीम है इनका टीचर्स डे पे वो पहन रहे हैं, और मैं तो पिंक व्हाइट पहनूंगी अपना जो मुझे जाना है लेके वही। तो अभी मिलेंगे 2 मिनट के बाद। ओके सो मैंने वेयर किया है ये पिंक टी शर्ट एंड ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट कंफर्ट कंफर्ट जीन्स, वाइट शूज, कुर्ता पजामा, वाइट शूज, और ये इनका वाइट, आज इनका ना वाइट और ब्लैक ऐसे थीम था, तो इन्होंने वाइट शर्ट पहनी है और ब्लैक जीन्स, देखना। एंड वाइट शूज यू के रही हो ऐसे मिरर में। अच्छा चलते हैं टीचर्स डे मनाने, अभी चलो आपका स्कूल में बिल्कुल ले चलो अपने स्कूल में चलो झाड़ू पोछे वाले। गाड़ी में नो बाइक, क्योंकि मैं जा रही हूँ तो मुझे ये बोला है कि मैं तुम मुझे लेके जाऊंगा गाड़ी में, मैं बाइक पे नहीं जाने वाली, ऐसे डैडी होके ठीक है ना। हाँ मैं जाऊँ क्योंकि मेरी वाइट शर्ट बाइक। ओ माय गॉड, चलो मैं चलती हूँ अपना सामान लेके। तो मैंने कुछ अपना चूड़ा और अपना छोटा सा बैग ये वाला और पानी की बोतल, ये सब मुझे चाहिए चाहिए, वरना अगर पानी की बोतल नहीं होगी मैं मर जाऊंगी, इसलिए मुझे अपने हील्स वील्स कुछ रख ली है। और चलते हैं और होप क्या शूट हो जाए, कैंसिल ना हो। टाइम हुआ है 7:30, टाइम टू गो, चलते हैं। और वी आर इन कार, मुझे छोड़ेंगे ये आधे रास्ते, मैं जाऊंगी रोहिणी और ये अपने स्कूल तक जाते हैं जनकपुरी तक, तो मुझे जनकपुरी उतार देंगे, उसके बाद मैं चली जाऊंगी आगे। बस ये वाला साथ हो गया, मुझे ऐसा था कि मैं जाऊंगी 12 बजे, क्योंकि ना फिर शाम हो जाती है 8-9 बज जाते हैं, मुझे वो वाला टाइमिंग बिल्कुल सूटेबल नहीं था आज के टाइम, वरना तो ठीक है क्योंकि फिर सारे टीचर्स भी अकेले रहते हैं ना। अरे ये क्या लिपस्टिक पे दांत में लग गई, बार बार लग रही है ना ये, और मुझे ऐसा लग रहा है सुबह सुबह तो बढ़िया मौसम मजे आ रहे हैं और गाड़ी में तो मजे ही आते हैं। आपको कुछ बोलना है? देखो टीचर्स डे इज नॉट अबाउट टीचर्स, इट्स अबाउट ज्ञानी देवताओं, इट्स अबाउट जो लोग तुम्हें समझाते हैं तुम्हारे अच्छे बुरे टाइम में है ना, तुम्हें पढ़ाते हैं कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें देके जाते हैं, वही तुम्हारे लिए टीचर थे। जैसे कि पहले बोलते हैं ना कि पेरेंट्स सबसे बड़े टीचर है, सबसे फालतू वही सिखाते हैं है ना, तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए टीचर, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, ये मेरे दिमाग खराब को ठीक करते हैं, तो ये टीचर ही हुए ऑफकोर्स मेरे लिए। पैरासिटामोल मिलती है, पैरासिटामोल अभी भी क्या बहन हुआ था, डिस्प्रीन बहन हुई ना। हाँ चलो चलते हैं डायरेक्ट स्कूल में, मुझे लेके चलो ना 2 मिनट के लिए, मैं हाय वाय कर दूंगी, बच्चे क्या पता कुछ मुझे भी दे दे 2-4 चीजें, दिखाना मुझे क्या क्या लेके आए बच्चे, कुछ मत खाना वहाँ का भी, चॉकलेट मिले और खा खा के वहीं पे रखाओ ठीक है ना, ठीक है सब मुझे दिखाना क्योंकि क्या मिला है। ये बालक कितने देंगे बेचारे, छोटे छोटे से हैं। हाँ छोटे तो है लेकिन क्या पता 1 रुपए की टॉफी ले आए आपके लिए है ना, देख रहे हैं खा लो ये, मतलब 2-3 बालक दमका दिए थे क्यों ये हो ना ले आए, अरे मानते नहीं होंगे बच्चे है ना, अरे की तो मान नहीं, छोटे छोटे लुंडरे लुंडरे। चलो कोई बात नहीं, ये आपका फर्स्ट टीचर्स डे है, ऑल द बेस्ट, भगवान करे आप लोग के अच्छी पार्टी और आप खूब खा के आओ। मैं नहीं हूँ ना इसलिए बोल रही हूँ, वरना मैं अकेली घर में बैठी हूँ तो मैं
मैडम आपको बताती अच्छे तरीके से केले केले खाए। आज आप पार्टी करना जाके सारी मैडमों के साथ। आप लोगों को पता है कि पूरे स्कूल में सिर्फ ये एक सिंगल मेल स्टाफ है और सब फीमेल है। मुझे पता नहीं मैंने बताया है कभी या नहीं, सिर्फ मेरे हस्बैंड पूरे स्कूल में एक ही मेल है। आ गए एक? अच्छा, अभी रिसेंटली? हाँ, लेकिन लास्ट 6 मंथ से तो आप ही अकेले थे, है ना? ठीक है, मेरा हाथ दुख गया। 12 ईयर से के बाद आए थे स्कूल में फर्स्ट मेल। तो चलते हैं डायरेक्ट इनको, मैं मुझे ये बाय करेंगे, मैं इनको क्या बाय करूंगी। और मुझे थोड़ा काम को थोड़ा सा आगे तक छोड़ाओ ना, फिर मैम को बोल दो भी जरूर थोड़ा आगे तक। अच्छा, हाथ दुख रहा है। मैंने हाथ चेंज कर लिया, ये वाला थक गया था ना। हाँ, मैंने साथ में कैमरा ले लिया ये। तो चलो कुछ शेयर करते टीचर्स डे पे अपनी जिंदगी की, दोनों की कुछ बातें। ये तो कभी टीचर बने नहीं होंगे, कभी बने आप टीचर? वैसे नहीं बने, फेक नहीं बने, ये ओरिजिनल टीचर बने हैं। इनको फेक फेकनेस पसंद नहीं थी, इसलिए स्टूडेंट ही ना बन रहे थे। बट आप ओरिजिनल टीचर बने ना, प्राउड ऑफ यू, है ना? और मैं बनी थी टोटली फेक हमेशा। मतलब मुझे तो इतना शौक था टीचर बनने का जिसकी कोई हद नहीं। तो मैं जब थी ना स्कूल में, पहले था हमारा स्कूल जिसमें मैं थी 5th तक, तो मैं 4th में बनी एंड 5th में बनी। फिर मैं स्कूल में गई तो था 10th तक, फिर मैं 9th में बनी और 10th में बनी, क्योंकि इतने बच्चे नहीं होते इतने, हाँ इतने बच्चे नहीं होते, मेरा सेक्शन नहीं थे उस टाइम, इतने बच्चे नहीं थे कि मतलब मुझे 10th में 25 बच्चे थे तो 9th में बनाते थे। लड़कियों वैसे भी कम होती है हमेशा, तो लड़कियों को तो बनाते ही है। और तो मुझे भी बनाया गया, हमें भी बोला गया। और 11th और 12th में तो हमारे सेक्शन भी थे, सी तब मैं आ गई थी इनके साथ थी, तब तो बच्चे भी बहुत थे। हाँ, तभी भी टीचर बने थे स्कूल में। आपको याद नहीं है क्या? हा? सारी लड़कियां आ गई थी, देखो मैं साड़ी वेयर करके आई, ठीक है ना? ना। आ, फिर लग गई। क्या यार, ये लिपस्टिक वेस्ट करवा दिया, दांतों की शाइन बढ़ा दी। तो देख लो, मैं तो वही बहुत बार टीचर, ऐसे ही ना मेरी फेवर भी 6 बार हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले 5th के थी तो पहले हमने 4th वाले बच्चों ने दी 5th वाले बच्चों को पार्टी, फिर खुद 5th में हो गए तो तब मिली हमें पार्टी, फिर 9th में दी 10th वालों को, 10th में हो गए तो खुद मिली, वैसे फिर 11th में दी और फिर 12th में। तो मैंने 6 फेयरवेल की अपनी जिंदगी में, मुझे नहीं पता किसी और का सौभाग्य है या नहीं। बट फोकट का 6 बार खाया, लेकिन फोकट का क्या, वो लोग लेते 700-500 रुपए हमेशा ही लेते थे। हाँ, अभी जो हमारा लास्ट स्कूल था ना, ओ इनको तो कुछ याद नहीं रहता, जो हमारा लास्ट स्कूल था ना उसमें 600 जमा हुआ था ईच। मैं मॉनिटर थी, मैंने किए थे कलेक्ट आपके पास। क्यों सबने दिए थे? ये ऐसे फेंकते रहते हैं, फेंक हुए सही में मन ध्यान भी कोने मंदिर पे भी हो ऐसे मेरे, क्यों मेरे जो घूमने के रुपये थे कितने बाहर जाने के वो था परवीन सर के। नहीं, आप सबने दिए थे, सभी लड़कों ने दिए थे, मुझे याद है। मतलब अपने घूमने के साथ दिए कौन है इसके दिनों में वो जगह घूमने नहीं थे कट गए थे। हाँ, वही स्टेशन। मेरा हाथ कट गया कल रात को, पेन हो रहा है। नहीं था चला था और क्यों मैं देती हूँ। हाँ, फिर मैं छुट्टा है पर उसके बाद इन्होंने पढ़ाई करी क्या जबरदस्त। मैंने कहा था शादी करनी है ना अगर तो फिर नौकरी लग जाए। इन्होंने इतनी ज्यादा शिद्दत से मुझे और अपने नौकरी वाली चीज को प्यार करा कि फिर दोनों ही चीज मिल गई, नौकरी भी मिल गई और मैं भी। नौकरी वाली चीज क्या हुआ? ऐसे पढ़ाई, हिम्मत, मेहनत, साले नहीं। अरे कुछ खाना है आपको आज के जोड़ी वो जोड़ी कुछ खिलाऊं मैं आपको टीचर्स डे पे? मैं लेट हो रहा टाइम देख। आप तो डेली लेट होते हो, मुझे तो मजा आ रहा है ऐसे गाड़ी में। अगर मैं जॉब करती ना तो मैं संभाल लेती सब कुछ। मुझे अब ऐसा आज आइडिया हुआ क्योंकि मैं आज उनका लंच बनाया ये सब कुछ कर दिया। हाँ, फर्स्ट डे तो है 229 रुपीज फर्स्ट डे तो है, लेकिन पहले फिर एक घंटे पहले उठ जाती और क्या करती। सुनो, मैं क्या बोल रही थी, मुझे ना ये बोलते हैं अभी भी ऐसे टू मच फेक रिलेटिव और एक दो ऐसे जने भने लोग मुझे बोलते हैं जॉब लग जा। अरे एक बात बताओ तुम लोग, जॉब लग जाओ नॉनसेंस। मतलब नहीं नहीं, मतलब जो मैं काम कर रही हूँ वो तुम लोगों को जॉब से कम लगता है पहली चीज, और दूसरी चीज बिना जाते ना तो यो कर हवा लगती है। मतलब ये मजाक है, वे डेली तना देखे तो उनकी आंख में
काली पीली लीली आई हो जाए। अगर मैं 9 to 5 जॉब कर रही हूँ ना, तो मेरा खुद का रिश्ता, खुद का घर, ये कुछ नहीं संभलने का मुझसे। यूट्यूब तो बहुत दूर की बात है, कुछ नहीं संभलने का। वहाँ से आके आदमी वैसे चिड़चिड़ा और थका जाती है बस। प्राइवेट सेक्टर की बात तो यार तुम लोग मर ही जाओगे। मतलब जो लोग प्राइवेट सेक्टर साथ घर संभालते हैं उनको तो मैं सैल्यूट करती हूँ। नई नई शादी में मेरे से तो नहीं होगा। और वैसे भी अब मैं उस लेवल पे हूँ कि मुझे अब जॉब नहीं चाहिए। कौन सा लेवल है वो? ये गंदा वाला, गंदा फॉर्ड लेवल। आपका कौन सा लेवल है? मुझे तो भटूरे खाने का मन कर रहा है सुबह सुबह। अच्छा हाँ, मेरा तेरे खाने के पिपन का जी कर रहा है। तो मुंह में ले तेरे मुंह में छोले बाहर। चुप रहो, सुनो, आप बहुत स्लो आते हो कभी कभी, ठीक है ना? या तो ये बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे फिर मुझे बोलना पड़ेगा थोड़ा सा कम। अहमदाबादा है ना, ऐसे उत्तम नगर के बहुत लोग हैं, बोलते रहते हैं आप आओ तो बताना, आप आओ तो बताना, बट कैसे? उत्तम नगर आ गया। हाँ मैं बताऊँ कैसे मैं आप लोगों को कि हम आ गए? दे आ गए, बता दे, चिल्ला दे, आ लिया रे। अच्छी लग रही है। मैंने फर्स्ट टाइम पहनी है ये व्हाइट शर्ट आज पहली बार। आई थिंक 6 महीने से टैग लगा हुआ था इसके ऊपर, और आज भी मैम ने थीम दिया था इन्होंने पहना। मैं तो चाहती हूँ कि डेली थीम मिले, आज ऑरेंज पहन के आज येलो, ताकि कुछ डिफरेंट डिफरेंट पहन के जाए डेली डेली सेम। मुझे तो लग रहा है वहाँ पहुंचते पहुंचते दांत ही पीला कर दे, दांत ही ऑरेंज हो जाएगा मेरा। मेरा तो ऐसा मन कर रहा है मैं भटूरे खा लूंगी और पेटीज वेटीज खा लूंगी। इन्होंने मुझे चेंज तो दे ही दिए थे, और मुझे तो ऐसा है कि रोहिणी में तो जाके मिलता है बढ़िया बढ़िया खाने का, और शाम को तो मैं आऊंगी नहीं। मुझे तो ये है यार इतना लेट नहीं, फिर पता है नाचते नाचते पैर दुख जाते हैं मेरे। कितना अच्छा भाई जाएगा। अरे यार वो स्टूडियो में गलत आ गया, देखिए पीछे। चलो ठीक है, बहुत बात हो गई, अब हम थोड़े गाने का लुफ्त लेते हैं और अपने दोनों का भी, अपनी कंपनी का भी थोड़ा मजा ले लेते हैं ना। चलो ठीक है। देखो कितना तेज लेके गए हैं ये, और अब हम कर देंगे इनको बाय, मुझे यहाँ छोड़ देंगे और चले जाएंगे अपने स्कूल। कितना अच्छा लग रहा है ना शिव जी भगवान। दूसरी गाड़ी में भी लगवा लो ना। ये आपके स्कूल के बच्चे हैं? नहीं, ये ऐसी वाली ड्रेस में नहीं आता। कैसी ड्रेस में आते हैं वो? मस्त वाली में। मस्त वाली कौन सी ड्रेस होती है? अपन खास है। दिखाना। ये आप आज टीचर्स डे पे अलग ही उसमें क्यों रखे हो? हाँ हवा में आज हमारा दिन है ना। हमारा किस किस का? आपका और आपके 4 लोग हैं आपके अंदर। हमारी सोसाइटी। सोसाइटी में मैं नहीं आती, मैं भी तो टीचर हूँ आपकी। जैसे आप टीचर हैं वैसे मैं भी आपकी टीचर हूँ, मैं तो सिखाती हूँ आपको अच्छा बुरा। इस मार्ग पर, इस मार्ग परीक्षा का परिचालन इस मार्ग पर वही वही लेके जा रहा है। बंद है भाई, ठीक है। और देखो वो लिख गया नीचे था। ये दिल्ली है, जो नहीं बोलते हैं वही करते हैं। कहाँ उतारोगे मुझे? मैं तो उतार दो मॉल के अंदर, तो मॉल के अंदर तो लिखड़ जी सीधे। ठीक है, सुबह सुबह तो वैसे भी सब बंद ही पाएगा ना। मॉल खुला है, मॉल खुला है, पर मॉल में करूंगी क्या ना? मॉल का मतलब वो रोड खुल रहा है, चलो चलेगी। ठीक है, मुझे बताओगे? हाँ। चप्पा चप्पा पता है मुझे। चप्पा चप्पा छाई छाई चप्पा। मैं खुद आती थी इनको लेने के लिए यहाँ पे, क्योंकि ये भूल जाते थे रास्ता। यहाँ से राइट लेना है। हाँ? राइट लेके पहला रेड लाइट आएगी 200 मीटर पे, वहाँ से लेफ्ट लेना है 100 मीटर पे राइट साइड में स्कूल है मेरा। पर हम है कहाँ? है कहाँ पर अभी हम? ये यूनिटी वन मॉल कहाँ पे है? आप क्यों बता रहे हो? नहीं है यूनिटी वन मॉल, कहीं भी नहीं है। थोड़ा सा साफ कर लेते कैम, वो शीशा तो कितना अच्छा लगता। अच्छा, पर सारा फोकस शिव जी भगवान पे हो रखा है ना। मैं बोले में तो रहना है। चलो भाई बहुत बढ़िया। बेच बेच ये सामान पकड़ना, उतर लू पहले मैं। बाय। ओके, तो जहाँ से छोड़ा ना तुमने, यहाँ से सिर्फ ये सामने स्टेशन आपको दिख रहा है, यही है मेट्रो स्टेशन। 76 इंडिपेंडेंस डे वेलकम। मैं तो काफ़ी दिन से नहीं आई हूँ, मूवी देखने गए तभी हम दुआ कर गए थे, जनकपुरी नहीं आए थे। बस मेट्रो यहीं पे ही है, मैं यहाँ से जाऊँगी क्योंकि यहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल है रोड से, और यहाँ पे मैं इजीली चल सकती हूँ। ठीक है गाइज, टाइम टू गो, फिर दिखाती हूँ आगे। और मैं हूँ मेट्रो में, इस वाली मेट्रो से ना बहुत याद जुड़ी है जनकपुरी वाली से, क्योंकि यहाँ से जाती थी मैं अपने नोएडा
एमईटी यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए पूरे 2 साल हमेशा यहीं से जाती थी। सो बहुत ज़्यादा यहाँ से याद जुड़ी है। ओ भाई खाने के भी स्टॉल खुल गए अभी मेरे सुबह सुबह, मेरे नाक और मेरे ओ भाई खुशबू, मुझे पेटीज इतनी है। देखो ये देखो सारी टीचर्स बन रही है साड़ी वेयर, यहाँ से दिखाती हूँ आप लोग को। वेट आप लोग भी देखो कुछ ज़रा, साड़ी वाली गर्ल है ना ये रही टीचर्स। ओ भाई व्हाट अ लाइफ, व्हाट अ लाइफ। ये वाली जिंदगी बहुत अच्छी होती है, ये बच्चे टीचर बनने के लिए जा रहे हैं। सब ओपन हो गया है बट अभी मैं नहीं खाऊंगी, मुझे पहुंचना है टाइम से, मैं लेट नहीं रहती हूँ ना। बिल्डिंग कुछ नहीं थी यहाँ भाई, कितनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है, और अब कितनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है। इस वाली मेट्रो से सिर्फ मामा के जाती थी मैं अपने मुंडे का, आ जाइए उसके बाद बहुत चेंजेस आ गए। पार्क वार्क बन गया है, पहले तो ये कुछ भी नहीं था पार्क और ये सब, बहुत चेंज कर दिया इन्होंने अब। आई थिंक मैं 1 साल बाद आई हूँ शायद, पेड़ वेड़ भी काफ़ी लग गए। ओके गाइस, सो टुडे आई एम वेयरिंग दिस पिंक, मतलब ये वो वाला हो जाएगा ड्रीम की शादी में पिंक नहीं पहना तो स्टूडियो में पहन लो। तो मैंने पहना था मेहरून शादी में, आपको तो पता ही है, और आज मेरी डार्क पिंक है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत सुंदर है। मुझे ना ये बोलते मेरी शादी में पिंक पहनी हो पिंक, बट मैंने शादी में तो नहीं पहना, बट चलो आज ये पिंक पहनने वाली ख्वाहिश मेरी और आप लोगों की दोनों की पूरी हो जाएगी। सो ये है स्टिच ब्लाउज एंड ये है हैवी, ये आई थिंक जर्कन है ना, हाँ लहंगा। एंड इनके घर कितना प्यारा सा क्यूट पपी है, पपी नहीं है भाई ये बड़ा है, 1 साल का डॉग है पिटबुल, मेरे पास आया था खूब प्यार किया और अभी ये सो रहा है, सबसे सही है। सो रेडी होके दिखाऊंगी मैं अब आपको क्या क्या है, इसकी ज्वेलरी भी यहीं पे ही है एंड ये एक नेट में दुपट्टा और एक वेलवेट में। ओके सो स्टे ट्यून्ड। कितने प्यारे हैं ना बैंगल्स, देखो ये है बैंगल, रिंग नेल्स बाकी है और मेरी मेहंदी भी काफ़ी अच्छी हो गई है दोनों है। तो मतलब आप देख चुके हो मेरा जो था लहंगा वो था डार्क पिंक एंड ग्रीन में, ज्वेलरी में ग्रीन है इसलिए ग्रीन के साथ मैच किया है। और ज़्यादा तो नहीं दिखाऊंगी मैं, मुझे पता है कि सारा लुक पहले ही ना दिख जाए। देखो मेरा पेट सबसे पहले दिख गया अब तो रहने दो पेट दिखा दिया। और ये देखो इनका डॉगी, अब आपको लग रहा होगा पिटबुल है, मैं डर नहीं रही लेकिन मुझे तो अच्छा लग रहा है, बहुत क्यूट है, छोटा सा 1 साल का ही लग रहा है, लग देना है ही 1 साल का। और यहाँ आ गए हैं पिज्ज़ा और इसकी नाक में ऐसा हो रहा है कुछ बाहर से आया है, खुशबू आ गई है इसको, है ना, इसका नाम है भीम। तो ये रहा पिज्ज़ा, टाइम फॉर पिज्ज़ा, भीम भी खाएगा क्या? हाँ भीम बहुत अच्छा है, बात मानता है सारी, जो जो बोल रहे हैं ना सब बात मानते हैं। छोटी दिख नहीं रही है, बाहर बना लीजिए, बाहर वॉइस ओवर करोगे ना इस पे तो? हाँ, मेरा फेस दिख गया, छोटी भी दिखेगी। ओके गाइस रेडी, ओनली दुपट्टा लेफ्ट, फेस देखना है क्या? फेस देखने का मन कर रहा होगा है ना, थोड़ा सा वेट और बेब्स फिर आपको दिखाएंगे फेस, तब तक मेरी आईज देख लो, खूबसूरत आईज। घूमते हुए नहीं आ रहा, अब घूमो। तो टाइम है ना इसको बोलो कि एरो है ना दीदी, ये नीचे एरो, हां इसमें इसको टाइमर लिख रहा है ना, जब मैं को उसमें
कितनी आएगी ना, कितनी आएगी मुझे सुनाने का ट्यून नहीं, कितनी आएगी गाना सुनाना सुना दो इधर 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 चलो हम लोग घूम रही है ना, पैक अप नथ निकाल दी है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया नाच नाच के। यहाँ ये दर्द होने लग गया क्योंकि लहंगा बहुत हैवी है, आप यकीन नहीं करोगे बहुत ज़्यादा हैवी है, देखो क्या हाल हो गया है, पर कोई बात नहीं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो, बहुत दिनों बाद ऐसे शादी वाली फील आई है, मुझे लग रहा है मेरी सच में शादी होने वाली है आज रात को, बट वो तो हो चुकी है क्या करें, कोई बात नहीं। ये देख लो लहंगा कितना प्रीटी था, और ये पिंक कलर मैंने फर्स्ट टाइम, मैंने बताना कि अगर मैं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही हूँ अपनी, मान लो 1% है ना कुछ फंक्शन करूँ, तो आप लोग बताना कि क्या मैं पिंक पहनूँ या मेहरून या रेड, कैसा क्या पहनूँ, ओके सो बताना मुझे। आप लोगों ने रील पहले ही देख ली होगी, मुझे पता है आप लोग मानते तो हो नहीं, एक दिन पहले रील देख लेते हो, एडिटिंग में तो टाइम लगता है, और ज्वेलरी बहुत अच्छी है, सो मैं पेज टैग करूँगी इंस्टा पे, आप चेक कर लेना। और चूड़ी तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, चूड़ी बहुत अच्छी है, एकदम यूनिक है ना, अरे हाँ तो बोल दो भाई। और ये मैं नेल्स भी कही थी, देखो इस नेल्स क्या ऊपर हो गया, ये भी अच्छी है, रिंग भी, और मेहंदी तो कल ही लग गई थी, ठीक है चेंज करके मिलती हूँ, साफ सुथर भी जाती हूँ वापस, सब कुछ उतार देते हैं। और मैं जा रही हूँ घर, थकान हो गई बहुत ज़्यादा, टाइम टू गो, फिर जाके दिखाती हूँ घर पे। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज है टीचर्स डे, तो मैं उनके लिए ले आई हूँ फ्रूट एंड नट चॉकलेट, एक बार तो गिफ्ट बनता ही है। अब मैं हूँ पीरागढ़ी, भाई मैं थक गई बिल्कुल, हालत ख़राब, मुझे 1 घंटा लगे घर जाने में मेट्रो से, अभी आएगी इंद्रलोक वाली, फिर कीर्ति नगर, फिर चेंज करूँगी, फिर उत्तम नगर कुछ काम है वो काम निपटा के फिर द्वारका जाऊँगी, फिर वहाँ से घर। सो आज का पूरा दिन, चलो कोई बात नहीं चलते हैं घर पे। और अब मेट्रो में, पता नहीं आज का व्लॉग कितना बना है, बना भी है कुछ नहीं बना, या मैं इसके बाद क्या दिखाऊंगी मुझे तो ये भी नहीं पता, पर हाँ ठीक है जितना बना मैंने दिखा दिया, क्योंकि कितना हो पाता है शूट वूट ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हो पाता। अब मैं जाऊंगी उत्तम नगर और फिर घर। तो मैं आ गई घर, बस पहुंची हूँ, कैसे ना कैसे रोटी गई, सबसे बढ़िया काम तो है कि मम्मी ने रोटी बना रखी है, सब्जी बना रखी है और दही दे रखी है, बस मुझे खाना है अब खाना, ऐसी मेरी गंदी हालत। टाइम हो गया 8:30 और मैं घर पहुंची हूँ, अब मेरे पैरों में और हर जगह दर्द हो रहा है, और भूख के जैसे मेरे, देखो मेरा चेहरा देखो कितनी गंदी लग रही हूँ मैं, इससे गंदी नहीं लगी मैं कभी, मुझे वो ऐसे देखे तो मैं लहंगा वो वहाँ पे गई ना उसमें, तो मुझे ऐसे देख रहे वो सब की कहाँ से, तो मैंने बोला भाई पेंट हुआ था अभी वो उतर आई, फिर तुम लोगों को वैसे 3 कलर की लग रही है, चमक रही हूँ यहाँ से लाल, हाँ यहाँ से चमक रही है, यहाँ से लाल आप चमक रही है, ग्लिटर लग रहा है, तो कह रहे मैडम वो लग रहा होगा मैं यहाँ से तैयार होगा, मैं भाई मैं घर से तैयार नहीं हूँ क्या, यही यहाँ पे आने के लिए, वो तो मैं कहीं और से आई हूँ तब, और मैं उसे सोच रही मैं दोबारा ना आना पड़ेगा, एक बार काम करने के चक्कर में मैं आज थी 2 घंटे गई मैं कहीं काम से, और मेरा टोटली वेस्ट, मेरा काम नहीं हुआ। लेकिन हाँ ये भी हो गया कि मुझे पता चल गया वहाँ से जिम होगा, मैं कहीं और ढूंढूंगी अब वो चीज़, वरना मैं पहले सोचती रहती 4-5 दिन तक वो है तो सही, वो है तो सही, तो वो निकल गया कि वो नहीं है भाई अब कहीं और देखो, तो खाना ये रहा मेरा, डाल दिया मम्मी ने, बस मुझे खाना है, मम्मी रोटी बना दी, सबकी बना दी मम्मी ने तो, और सबकी सब्जी बना दी, और मुझे तो ऐसा ही था कि या तो आलू बैंगन बोलूँगी फ़ोन करके, तो मैंने फ़ोन करा ना आपके पास
या आलू शिमला मिर्च ले। मम्मी ने पहले आलू शिमला मिर्च बना रखी थी और सुबह मम्मी ने कहा, और मैं पूरे 12-13 घंटे में घर आई हूँ। सुबह निकली थी मैं 7:30 और 8:30 बजे, 13 घंटे में घर पे आई हूँ आज मैं। भाई मेरे से नहाने वाले 9 से 5 नौकरी, मैं तो अपने घर ही बढ़िया, मुझे तो जाना कितनी जो बोलते हैं ना जॉब कर लो, भाई नहीं होती मुझसे, नहीं करूंगी मैं जॉब वॉब। अब नेस्टी में जाती हूँ खाना लेने के लिए, पागल बोलते हैं इंस्टा चला ले जॉब कर ले। भाई कैसे कर लूँ बिना इंस्टा जॉब में? आज मैं आ गई, ना इंस्टा पे रील डली, ना यूट्यूब पे कुछ डला, ना कुछ काम हुआ, ना मेरे पति से बात हुई, ना मैं सब बैठी, ना कुछ करा, ना खाना खाया सुबह से, टाइम देखना, रोटी खा ले पहले। तो मेरे बालों में स्प्रे है, अब मैं आपको बिल्कुल खाना खा लेती हूँ गरम गरम, और फिर मैं एकदम फ्रेश फ्रेश होके मिलूंगी। मैंने खा लिया, एनर्जी हो गई मेरी टॉप लेवल पे। अब हाँ थोड़ा फेस अभी सही नहीं क्योंकि मैं नहाई नहीं हूँ। तो मम्मी बना रही थी पापा क्यों इनका खाना, और मैं मम्मी को दे थी कंपनी, मम्मी का दिमाग खा के ऐसे फिर मुझे था कि मैं बैठ जाती हूँ मम्मी के साथ ही, मैं खड़ी हो जाती हूँ, फिर मैं हो गई थी। खाना बना दे, मम्मी खाएगी और ये आ गए देख लो, थोड़ा सा और बाहर निकाल लो खुद ही। यार अच्छी सब्जी क्यों बनाया यार फिर? मैं तो घर ही नहीं थी तो फिर आके क्यों बनाई तुमने? आप क्यों बनाई बता दे, मम्मी ने बनाई है। अच्छा मैं सोच रही थी स्वाद क्यों थी। मैं आपके लिए कुछ लाई थी, ये लो चीनी लाई थी मैं भी, ले लो देखते हैं दिखाओ। पानी पीना है क्या? क्या करना है? क्या है? नजर लगवा लोगे? गुस्सा दिला रहे हो मुझे। अरे जो चीज है वह दिख रही है, देख लो पहले उसको। देखो सबसे क्या मां, यो यार अभी मैं फ्रेंड की बात, हां अभी मैं फ्रेंड की बात कर रहे हैं इसमें पापा बोल रहा 35 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, 36 लाख का लॉस खा सकता है। ये कब हुआ? ये कब हुआ? अभी अंदर ठीक है बाकी बाल पाते बंद हो जाएंगे। ऑन कैमरा शेयर नहीं कर सकते, ऑफ कैमरा ही करेंगे। किसा ला के पिज्जा मिनट बैठा हुआ यार, किसा ला के पिज्जा अंत स्वाद लूटी। मम्मी पागल है क्या? ये कैमरा रख ले, थैंक यू। स्प्राइट है, मूड आ गया, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है मेरे सामने खड़ा होकर। स्प्राइट भी जो है वैसे बाहर नहीं मिलती, तेरे भाई बोल रहा था कि बाहर नहीं मिलती। बताओ सेवन अप ये क्या मिला रहे हो? यो ये दवाई बात होगी, वो वीडियो लिया अगर ठीक है पनीर खा लो, आपने तो देखा नहीं होगा, तो पीछे ना हमने ना देखा तो क्या करते हैं तुमने कितनी होगा भाई, तू क्या करते हैं? मैं आलू काटूं। हैप्पी टीचर्स डे। टीचर्स डे, अरे भाई मम्मी भी आते हैं, मैं आपके लिए लाई, अच्छा लग रहा है, और सब खाएंगे इसमें से, ये नहीं है कि आप खाओ। इसकी वाईफाई की तो इसको भी दे देंगे, इसकी वाईफाई की तो। हाँ बर्थडे भी तुझे भी दे दूंगा बर्थडे पे। हाँ एक बड़ी चॉकलेट भी दी थी मैंने स्पेशल आपका, बर्थडे भी दी थी ना उसके अलावा, बर्थडे में उसमें बड़ी चॉकलेट भी थी। अरे अभी खा लो ना, फिर मैं रात को खा लूंगी। मैं वैसे भी फ्रूट और नट लाई जो मुझे अच्छे लगे। इब्बे खाएंगे, इब्बे खाएंगे ही ना, जो तू खा उसके इतर जाएंगे। अच्छा लगा आपको मेरा गिफ्ट? मैं बोला था मम्मी बात की, मम्मी बोला गया अच्छा लगा। हाँ 200 रुपए का एक गिफ्ट दे सकते, सस्ते गिफ्ट ले आया ये लो, पूछ लो बहुत पसंद आ गए। 200 रुपए पता है क्या, मैं कहाँ कहाँ घूमी हूँ इससे चॉकलेट के लिए, सारे मेट्रो स्टेशन सारे मेट्रो स्टेशन घूम दिए मैंने। फिर ये मुझे पता नहीं था कि ऐसा है, मैं मेट्रो पे गई, मेट्रो पे गई और जाके मेट्रो पे जाके खाया। 10 रुपए का तो गिलास उसका मिल जा रहा है, पर वो मोटरसाइकिल लेगा अर्जुन पार्क का मां जूस पीने के लिए। जूस पीने था लोग बहुत पता नहीं, पापा मम्मी गए थे क्या?
मम्मी गए थे ना। चलो ये लोग कह रहे बात करें यार बात याद रख लो कौन 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 देखा मैं लाई ना आपके टीचर ये पिक्चर गई लड़की डाल दी तो जैसी खा लेंगे यार मम्मी का खाना ले लो चलो मम्मी का खाना ले चलो लो किसका किसका फोन आया रात को आ जाओ मम्मी आपकी ऑटो चली गई अंदर मम्मी ऑटी गई आपकी बाद में कर लेना मम्मी बन गई जो भी है रख देगा सोच के कि मैंने रखवाया पानी ले लेती हूँ मैं भी अपने लिए बहुत प्यास लग गई एप्पल खा लो पापा भी अंदर बैठे चलते हैं और अब दिख रहा होगा पूरे दिन में मेरा ओरिजिनल फेस आज ऐसा थोड़ा सा मेकअप के बाद अब मैंने साफ किया है तो अब थोड़ा क्लियर है मैंने हेयर वॉश भी कर लिया है थैंक यू ज्यादा सुंदर की थोड़ी ना मेरी टी शर्ट आपके नहीं रही शादी के बाद ये सब कुछ मेरा हो गया तेरे ऊपर जाने के बाद ही तो सुंदर होगी वरना तो ऐसी रहती है लप्पू सी टी-शर्ट लप्पू सी टी-शर्ट है पति की तो आती नहीं पति को तो आती नहीं इसलिए मैं ही पहन लेती हूँ तो पता है क्या है जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैं बहुत थक गई थी बट अब मैं बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ तो मैंने नहा ली और दूसरा मेरे साथ लड़ती दूसरा आते ही तब सास गरम गरम रोटी बना के खिला दे पति और देवर मजाक कर दे और सारा परिवार बैठ के हंस बोल ले तो फिर थकान तो खत्म हो ही जाती है ना अब गए सब हमारे रूममेट थे सब बात कर रहे थे बैठ के और यहीं पे आज रात को नमकीन भी बहुत दिन हो गए खाए आज रात को क्या खाने तो बहुत ज्यादा बढ़िया बहुत अच्छा रहा बहुत दिनों बाद शूट हुआ मैंने पिंक ड्रेस पहनी एकदम मुझे बात करने दो बिल्कुल डार्क पिंक ड्रेस पहनी मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में इतना डार्क पिंक लहंगा पहना है मैंने आज तक डार्क पिंक नहीं किया ट्राई किया मेरा एक टाइम में ऐसा था एक टाइम में ये मुझे लगता था कि शादी होगी तो मैं डार्क पिंक पहनूंगी बट फिर हमारे आस पड़ोस में सब ने डार्क पिंक पहन लिया तो मैंने बोला बाबा रे डार्क पिंक तो नहीं पहनूंगी मैं फिर मैं मेहरून लाई सबसे अलग कलर तो अभी भी मेरा ऐसा ही है और आप लोग देखा मैं लहंगे की शॉप पे गई थी तो वहां में मुझे 2 घंटे लगे बट मेरा काम जमा नहीं वो क्यों नहीं जमा क्या था मैं सब आपको आने वाले फ्यूचर के व्लॉग में बता दूंगी एक्चुअली मैं क्या प्लान कर रही हूँ और क्या हो रहा है अभी मेरी लाइफ में जो व्लॉग से अलग है मैं दिखा नहीं रही व्लॉग में क्योंकि चाहती हूँ सरप्राइज अभी खराब कर देना भाई मेरे हाथ दुखने लग जाते हैं और टीचर डे पे आ गए मजे मैंने दी इनको चॉकलेट और मैंने सबको दी दी मैंने बोला है कि सब मेरे टीचर है पापा मम्मी हिमांशु सबने कुछ ना कुछ सिखाया देखो टीचर लोगों ने जो तुम्हें पढ़ाता है वो जो तुम्हें कुछ सीख दे जिंदगी में तुम्हें कुछ सिखा के जाए चाहे वो कोई भी हो हेटर हो या लवर हो या मतलब पॉजिटिव कमेंट नेगेटिव लेकिन तुम्हें वो कुछ सिखा के जाते हैं है ना तो वो लेना चाहिए हमेशा दिखाना पैर रखना ऊपर पैर रखना हाँ तो लो जी कैमरे के सामने रख दिया हटाओ ना पैर कैमरे के सामने हाँ तो बहुत बढ़िया गया आप इनको मिले मुझे बहुत सारे ग्रीटिंग्स कहाँ रखे आपके ग्रीटिंग्स बैग में दिखाना मुझे एक बार प्लीज तो कहाँ है ना छोटे छोटे बच्चों ने ना ऐसे एक वाले न्यूज़पेपर पे उस पर बना के दिए थे पेपर पे बना बना के दिए थे इनको ड्राइंग शीट्स पे अच्छा और वो थे यहाँ पे अब मैंने वॉश कर लिए काफी स्प्रे था तो आई थिंक अब ठीक हो गए होंगे और मेहंदी भी लाइट होना स्टार्ट हो गई क्योंकि ये जो मेहंदी थी वो ब्लैक वाली जो वो ऐसे उतरती है ना वो वाली मेहंदी लगाई थी और ओवरऑल बहुत अच्छा दिन था कुछ यूनिक हुआ नई रील्स मिलेगी आपको देखने को मिल गई होगी अब तक तो बिल्कुल ये व्लॉग तो आप आज 5 है आज ही उन्होंने कहा था कि डाल दो तो मैंने आज ही डाल दिया और व्लॉग आप देख रहे होंगे 7 को क्योंकि मैं कल करूंगी इसको एडिट और व्लॉग आएगा 7 को और 9 को हो जाएंगे हमारे पूरे 9 मंथ शादी को 9 तारीख 9 महीना और 9 मई और 9 तारीख 9 मंथ 9 डेट और हमें भी पूरे 9 महीने हो जाएंगे तो 3-3 9-9-9 होगा आपकी बार ठीक है और हम जाएंगे उस दिन मूवी देखने ड्रीम गर्ल दिखा के लाओगे या OMG दिखा लेना है ना ओके दोनों में से एक देख के आएंगे
और आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे लगा मेरी आउटफिट, कैसे लगी। वैसे मुझे पता है, मुझे मेरी इंस्टा भी उठा था ना, राधा है पे 40 कमेंट्स आ चुके हैं, आई थिंक थोड़ी देर में आ गए थे, तो उस पर आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू टू ऑल, है ना जी। ठीक है गाइस, कल फिर मिलेंगे कि नए व्लॉग के साथ, तब तक गुड नाइट, स्टे सेफ, बाय बाय, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल बाय।